साथियों नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। आपको बता दें कि आज वो घड़ी है जिस घड़ी का बहुजन समाज को कतई इंतजार नहीं था। आज बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और एक बड़ी खबर है, बसपा प्रमुख मायावती जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पोस्ट के माध्यम से लिखा है, लगभग 140 करोड़ की विशाल आबादी वाले भारत के गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों सहित उपेक्षित बहुजनों के मसीहावाद देश के मानवतावादी समता मूलक संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मायावती जी ने आगे लिखा है, किंतु देश के 81 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को पेट पालने के लिए सरकारी अन्न के मोहताज का जीवन बना देने जैसी दुर्दशा न यहाँ आजादी का सपना था और न ही उनके लिए कल्याणकारी संविधान बनाते समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा था। यह स्थिति अति दुखद है। मायावती जी ने ऐसे लिखते हुए तीसरे लाइन में लिखा है, देश में रोटी रोजी के अभाव एवं महंगाई की मार के कारण आमदनी अठन्नी भी नहीं है, पर खर्च रुपया होने के कारण गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारी, किसान, मध्यम वर्ग सहित सभी मेहनत का समाज की हालात त्रस्त व चिंतनीय है। मायावती जी ने यही लिखा है कि रोटी रोजी के अभाव और महंगाई की मार के कारण आमदनी अठन्नी भी नहीं है, पर खर्चा रुपया है। आगे उन्होंने लिखा कि जबकि संविधान को सही से लागू करके उनकी हालात अब तक काफी सवर जानी चाहिए थी। यहाँ बसपा प्रमुख मायावती जी ने एक्स पोस्ट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। आपको बता दें कि मायावती जी ने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ कार्यालय पर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगर चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर संजय अम्बेडकर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। धन्यवाद।